नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में रात 3 बजे गरज चमक के साथ बारिश हुई। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने से मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश होती रही, जहां शनिवार के दिन में तेज धूप निकली थी और पारा करीबन 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। वहीं रात में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी विश्व अफगानिस्तान और उसके आसपास चक्रवात परिसंचरण के रूप में एक्टिव है। वहीं दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवाओं का घेरा है। इन सब के प्रभाव के कारण दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिस वजह से प्रदेश में बारिश और ओले का दौर फिर शुरू हो गया। इधर किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई है। किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। कारण बारिश होने से खेती में खड़ी गेहूं चना आदि फसलों का नुकसान हो सकता है। वहीं कटकर खलियान में रखी फसलें खराब हो सकती हैं। इधर 5 मार्च को फिर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है, इसका असर भी प्रदेश में देखने को मिलेगा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट।